जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन ने ठोंक डाला 28 गेंदों पर 122 रन। संजू सैमसन ने इस ताबड़तोड़ शतक से मचाया कोहराम। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं संजू सैमसन के इस तूफानी पारी के बारे में तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि घरेलू क्रिकेट में अभी दिलीप ट्रॉफी 2024 खेला जा रहा है जिसमें कोई युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर रहा है, जबकि टीम इंडिया का विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भी अब दिलीप ट्रॉफी के लिए इंडिया डी टीम से बुलाया आया है, जिसके चलते अब संजू सैमसन दिलीप ट्रॉफी में जलवा बिखार सकते हैं क्योंकि इससे पहले संजू सैमसन ने रणजी ट्रॉफी में धमाल मचा चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि संजू सैमसन ने संजू सैमसन ने रणजी ट्रॉफी में एक बेहतरीन पारी खेली थी जिसमें उन्होंने गेंदबाजों का भरता बना दिया था और महज 28 गेंदों में 122 रन ठोंक चुके थे। तो दोस्तों संजू सैमसन रणजी ट्रॉफी में केरल टीम की तरफ से खेलते हैं। अब तक उन्होंने केरल टीम के लिए कोई शानदार पारी भी खेले हैं, लेकिन रणजी ट्रॉफी 2013 में संजू सैमसन ने केरल टीम की तरफ से खेलते हुए आसाम के खिलाफ शानदार पारी खेलते हुए 211 रन की पारी खेली थी। संजू सैमसन ने 338 गेंदों का सामना किया था जिसमें उन्होंने 211 रन बनाए थे। संजू सैमसन ने अपनी इस पारी में 23 चौके और 5 छक्के भी जोड़े थे। संजू सैमसन ने अपनी पारी में कुल 28 बाउंड्री लगाए थे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में 122 रन ठोंक चुके थे। तो दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को दिलीप ट्रॉफी 2024 में मौका मिला है। संजू सैमसन को श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मौका मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि विकेट कीपर संजू सैमसन ने अभी तक टीम इंडिया के लिए 21 वनडे मुकाबले खेले हैं जिनमें उन्होंने 56 की औसत से 510 रन बनाए हैं। संजू सैमसन ने अब तक एक शतक और 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।